Hello everyone, welcome to Math Solution. I'm here to solve your math problems. Chapter number 1, Knowing Our Numbers. Exercise 1.2. Last videos में हमने 1 to 9 तक question solve कर लिए थे. आगे 10th question है हमारा. लिखा है, Medicine is packed in boxes. Medicine को boxes में pack किया गया जाता है. Each weight 4 kg 500 gram. तो हर एक बॉक्स का जो वेट है वो है 4 kg 500 ग्राम. हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन. इतने ही कितने बॉक्सेस जो हैं वैन में लोड किए जा सकते हैं. विच कैनॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg. यानी कि वो वैन जो है 800 kg से ज़्यादा वेट नहीं ले जा सकती है. तो हमें ये उनको बताना है कि कितने बॉक्सेस हम वैन में लोड कर सकते हैं. तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम लिख लेते हैं, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने हमें क्या दिया हुआ कि जो एक बॉक्स का जो वेट है वो पहले हमें लिखना पड़ेगा. यहाँ पे हम वही लिखते हैं, पहले 1 box weight is equal to 4 kg 500 ग्राम. हमें क्या करना है, 4 kg को ग्राम में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैसे करेंगे हम, 4 × 1000 + 500 ग्राम. अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. यहाँ साइड पे कर लेते हैं हम, 1000 को 4 से करते हैं. 4 × 0 = 0, 4 × 0 = 0, 4 × 1 = 4. हमारे पास आ गया 4000. हम यहाँ पे लिखेंगे 4000 + 500 ग्राम. अब आप इनको प्लस कीजिए, 4000 को में 500, तो कैसे आएगा, 4000 500 प्लस किया, हमारे पास आ गया 4500 इज इक्वल टू 4500 ग्राम में आ गया हमारे पास. ये हमारे पास ग्राम निकल गया, यानी कि एक बॉक्स की जो वेट है वो ग्राम में इतना होगा, 4500 ग्राम. ठीक है, नेक्स्ट वो हमें क्या कहता है कि कितना लोड हो सकता है, 800 kg लोड हो सकता है. तो पहले हमें ये लिखना पड़ेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे 8 carried by van इज इक्वल टू 800 kg. अब इसको kg को भी हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. हम यहाँ पे कर लेते हैं 800 × 1000. तो इसको सॉल्व करते हैं साइड पे, हम रफली सॉल्व कर देना, बाद में इसको इरेज कर देना. 1800 से 0 × 0 = 0, 0 × 0 = 0, 0 × 0 = 0, 0 × 1 = 0, फिर 0 × 0 = 0, 0 × 0. अब यहाँ पे 8 × 0 = 0, 8 × 0 = 0, 8 × 1 = 8. तो हमारे पास आ जाएगा ये करीब करीब हमारा ये आ गया 800000. यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू 8000000 ग्राम. ये ग्राम में आया हमारे पास. ठीक है, इतना जो है वेट है ग्राम में आ गया. इसे हम अब इरेज कर देते हैं, ये रफ वर्क है ना, इसीलिए इसको इरेज कर देना साथ में. नेक्स्ट हमसे वो क्या कहते हैं, कहते हमें बताना चाहिए कि कितने जो हैं बॉक्सेस लोड हो सकते हैं एक वैन में. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4 कर देंगे. हमारे पास क्या आया था, ये आया था ना 4500 ग्राम एक बॉक्स की, जो यहाँ पे हम लिखेंगे 4500. ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हम क्लियरली करें,
4500 को पहले मैं 2 से करती हूँ मल्टीप्लाई, रफली करके देख लेते हैं। टू ज़ीरो द ज़ीरो, टू ज़ीरो थ्री ज़ीरो, फाइव टू ज़ टेन, वन के फोर टू ज़ एट और वन नाइन, ये आ गया हमारे पास 9000। ठीक है, पर वो 9000 बड़ा हो गया वैल्यू, यहाँ पे तो 8000 है, तो हम इसको 1 से ही सॉल्व कर लेते हैं। हम 4500 ही कर लेते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। ज़ीरो जिससे ज़ीरो गए, ज़ीरो में से ज़ीरो गए, अब ज़ीरो से फाइव लेस नहीं हो सकता, ज़ीरो जो है वो एट से बोरो करेगा, जब ये बोरो करेगा तो ये 10 हो जाएगा ना, और यहाँ पे फिर 7 हो जाएगा, 10 में से 5 लेस किया 5 आ जाएगा, 7 में से 4 लेस किया कितना होगा 3 आ जाएगा, अब ये वाला ज़ीरो हम नीचे ले लेते हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके देखते हैं हम फिर से रफली, हम करते हैं अप्रॉक्सीमेटली, आप मन में माइंड में सोच लिया करो कि किससे करना है, मैं 5 से करती हूँ। 50 द ज़ीरो, 50 द ज़ीरो, 55 द 25 टू कैरी, 54 द 20 और 2 22। ठीक है, ये अभी वैल्यू छोटी है, यहाँ पे 35000 है, इससे आगे भी हम कर सकते हैं, इसे एक स्टेप और आगे चले जाइए, 7 से कर लेते हैं। 70 द ज़ीरो, 70 द ज़ीरो, 75 द 35 थ्री कैरी, 74 द 28, 29, 30, 31, ये आ गया 31500। एक और करके देखिए, 4500 को मैं 8 से करती हूँ, 80 द ज़ीरो, 80 द ज़ीरो, 85 द 40, सॉरी 84 द 32 और 4 36, देखो वैल्यू बढ़ गई, ये तो हम लगा ही नहीं सकते, 7 से करेंगे, मैं 7 से कर लेती हूँ। थ्री वन फाइव हंड्रेड, ज़ीरो में से ज़ीरो लेस किया ज़ीरो, ज़ीरो में से ज़ीरो, अब ज़ीरो में से फाइव नहीं लेस हो सकते, इसने इससे बोरो करना है। चलिए यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 4, 10 में से 5 लेस किया 5, 4 से 1 3 हो गया, 3 से 3 0 हो गया, ये तो हो गया कंप्लीट। यहाँ पे हम 0 को फिर से नीचे ले आएंगे, अब आपके पास फिर से 35000 ही आ गया, आपने पहले सॉल्व किया था तो इसका मतलब यहाँ पे भी 35000 है, यहाँ पे भी 7 पे गया, तो नेक्स्ट भी हमारा 7 पे ही जाएगा, हम यहाँ से 7 ही करेंगे, तो हमारे पास भी वही वैल्यू आ जाएगी 500। तो हमारे पास कितना रह जाएगा, 0, 0, 5 और 3, 3500 रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे बॉक्सेस जो हैं कितने वैन में लोडेड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ये वाले 177, यानी कि 177 जो बॉक्सेस हैं हम वैन में लोड कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे लिखेंगे बॉक्सेस लोडेड इन अ वैन इज इक्वल टू 177। ठीक है, तो इतने बॉक्सेस जो हैं वो वैन में हम लोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है 10th, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया ना इसको 8th क्वेश्चन को दोबारा रीप्ले करके देख लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि डिवीज़न जो है वो थोड़ी बड़ी है, इसलिए आपको वक्त भी लग सकता है, इसे दोबारा देख लेना आपको समझ में आ जाएगा। 11th क्वेश्चन हमारे पास है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। कहते हैं कि एक स्टूडेंट का जो स्कूल का और घर का जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, रोज़ वो आते भी हैं और जाते भी हैं, मतलब स्कूल जाता है फिर वापस भी आता है ना। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज, आप ये बताइए कि 6 दिनों में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं हम इसको,
हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम हाउस टू स्कूल, ठीक है, कि स्कूल से सॉरी घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है, कितना है 1 किलोमीटर 875 मीटर। फिर उसने आपको पता होगा, उसने आपको बोला भी था कि लाइन देखिए वो क्या बोल रहे हैं, हमें बोला गया था एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, कि वो दोनों तरफ मतलब आते भी हैं और जाते भी हैं। तो इसके लिए हमें क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बोथ वेज। कैसे हम कैसे पता चलेगा, हम ऐसे करेंगे 1 किलोमीटर 875 मीटर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी कि दोनों तरफ से जाते हैं ना, इसीलिए यहाँ हम क्लियरली मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ हम लिखेंगे किलोमीटर, यहाँ लिखेंगे मीटर। किलोमीटर कितना है 1 है हमारे पास, और मीटर कितना है 875 मीटर। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, 5 2 10, 1 कैरी, 7 2 14 और 1 15, 1 फिर कैरी जाएगा, 8 2 16 और 1 17, 7 फिर 1 ही कैरी है, तो 1 2 2 और 1 3, यहाँ 3 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। कितना, ये हो गया किलोमीटर, ये हो गया मीटर, ठीक है, ये आपका आ गया कि दोनों तरफ से वो कितना जो है रोज़ वो करता है कवर डिस्टेंस, ठीक है। इससे नेक्स्ट हमें क्या करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे पूरा डिस्टेंस कवर इन 1 डे, एक दिन में 3 किलोमीटर एंड 750 मीटर, ठीक है, इतना करता है। तो अब उसने आपको बोला था कि 6 डे में वो कितना कवर करते हैं डिस्टेंस, हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर इन 6 डेज, सीधा ही लिख लो, बस इतना ही लिख लो, पता चल जाएगा, ठीक है। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पे 3 किलोमीटर 750 मीटर मल्टीप्लाई बाय 6, यहाँ पे हम क्लियर इसको करते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ हम फिर से वैसे ही लिखेंगे किलोमीटर और मीटर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे हम लिखेंगे 750 और मल्टीप्लाई बाय 6, 6 0 10 0, 6 5 30, 3 कैरी, 7 6 42, 42 43 44 45, 5 आ जाएगा, यहाँ 4 जो है वो कैरी जा रहा है आपका, 6 3 18 19 20 21 22 22, तो कितना हो गया 22 किलोमीटर और 500 मीटर जो है वो कवर करता है डिस्टेंस 6 डेज में। यहाँ पे आप लिख सकते हो, चाहे यहाँ पे ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हो आप, डिस्टेंस कवर इन 6 डेज इज इक्वल टू 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। चलिए 12th क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है, अ वेसल हैज़ 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड, एक वेसल में 4 लीटर 500 मिलीलीटर कर्ड है, ठीक है, इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन बी फिल्ड, कहते हैं कितने ग्लास बन जाएंगे इतने में 4 लीटर 500 मिलीलीटर में, जबकि एक ग्लास में कितना फिल होता है 25 ml,
कैपेसिटी है एक ग्लास की। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं, कैपेसिटी ऑफ वेसल कितनी है। कैपेसिटी थी हमारे पास 4 लीटर 500 मिली लीटर। अब लीटर को हम मिलीलीटर में चेंज करेंगे। कैसे लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई, ये देखो 1000 है ना, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 500। ये मैंने पीछे आपको मल्टीप्लाई करना बताया हुआ है ना, सेम एज हमारे पास आ जाएगा 4000 यहाँ पे प्लस 500। तो कितना हमारे पास मिलीलीटर हुए, 4500 मिलीलीटर। प्लस करके देखें, ठीक है। नेक्स्ट आगे हमारे पास क्या है, हम लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ, क्योंकि एक ग्लास की कैपेसिटी हमारे पास होगी तभी हम निकाल सकेंगे ना आगे, इज इक्वल टू 25 ml, यानी कि कैपेसिटी ऑफ ग्लास है 25 मिलीलीटर। तो कितने फिल होंगे, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ग्लासेस फिल्ड विद, जो हमने यहाँ पे निकाला था ना मिलीलीटर में, इस पे ही लिखेंगे फिल्ड विद 4500 मिलीलीटर। ठीक है, तो चलिए आगे कैसे करेंगे, इसको हम कैसे निकालेंगे, जब हम क्या करेंगे 4500 को डिवाइडेड बाय 25 कर देंगे। यहाँ पे हम क्लियरली डिवाइड करते हैं, 4500 25 से 25 2 50 तक यहाँ तक जा ही नहीं सकता, क्योंकि 2 से करेंगे, देखो 25 को 2 से करो, 10 2 2 4 और 5, बड़ा हो जाएगा वैल्यू, 50 हो जाएगी, 1 से ही करेंगे हम 25 आ जाएगा, 5 में से 5 लेस किया 0, 4 में से 2 किया 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब किससे सॉल्व करेंगे हम 25 को, जब हम 7 से करके देखें, 7 5 35, 7 2 14, 15 16 17, अभी भी छोटी है वैल्यू, आगे करके देखते हैं, 8 से करके देखते हैं, 8 5 40, 8 2 16, 17 18 19 20, आ गया 200 आ गया ना, तो यहाँ पे हम 8 कर देंगे 200। अब हमारे पास वैल्यू आ गई 0 0 0, ये 0 नीचे उतारती, इसे सॉल्व तो नहीं कर सकते हम, इसको क्या करेंगे 25 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से फिर 0 0 0 आ जाएगा। चलो जी सॉल्व हो गया यहाँ पे आपका। तो हमारे पास क्या आया, नंबर ऑफ ग्लासेस कितने हो सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ग्लासेस फिल्ड विथ 4500 मिलीलीटर कर्ड इज इक्वल टू ये 180, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया ना क्लियरली, मैंने पूरा आपको सॉल्व करके बताया, यहाँ पे रफ वर्क भी करके बताया, आपने इसको पेंसिल से करना है, मैंने पेन से किया है, आपने पेंसिल से करके उसको इरेज भी कर देना है साथ में, ठीक है। तो इतने जो हैं वो ग्लासेस जो हैं वो 4500 मिलीलीटर कर्ड के में फिल हो सकते हैं। तो यहाँ तक आपको सारा समझ में आ गया होगा, आपकी एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पर कंप्लीट होती है। आपको नहीं भी समझ में आया तो दोबारा से रीप्ले करके देख लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।